शिकायत नहीं करते भगवान से कोई? नहीं जी, अपनी मेहनत पे भरोसा करता हूँ मैं, बस ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि सही सलामत घर पहुँचा दे। क्या बात, बहुत 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 बढ़िया। अच्छा है आपका, खाना खा लिया है? नहीं अब खाऊंगा। बात कहाँ खाओगे खाना? घर ही खाता हूँ। घर ही खाओगे? आ जाओ खाना खिलाने आपको। नहीं कोई बात नहीं सर जी। अच्छा जी, किसी ने सच ही कहा है, न जाने कहाँ सीखने को किससे क्या मिल जाए। हरिद्वार से मैं दिल्ली वापस आ रहा था, रास्ते में दीपक को देखा। दीपक प्लास्टिक का सामान और कचरा बीनता है और उस कचरे को बेचकर जो कुछ भी पैसा खर्चा उसे मिलता है उससे वो अपना घर चलाता है। उसका बचपन से ही एक हाथ बिल्कुल भी काम नहीं करता है, यही देखकर उसे मन किया बात करने का। आप मम्मी खत्म हो गए, और कौन है घर में? बच्चे। शादी हो गई आपकी? कितने बच्चे हैं आपके? दो बच्चे। तो यार दिक्कत नहीं होती एक हाथ से? आप रिक्शा भी चलाते हैं, एक हाथ से चला लोगे? शिकायत नहीं होती भगवान से कुछ? कभी गुस्सा नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों है? कहता है जी जो नसीब में लिखा है वो मिल जाता है। जो नसीब में वही लिखा होगा। मतलब कभी मन में नहीं आता कि मेरा भी हाथ ठीक होता ऐसा, और मैं इसकी वजह से परेशान हूँ? दूसरे को देखता हूँ अच्छा काम करते हुए, जब दिक्कत होती है तब दिक्कत होती है। लगता है मैं भी इससे अच्छा कर रहा हूँ, तो मेहनत करते सारा दिन। मैं हरिद्वार से आ रहा था अभी दोस्तों, और आज हमारा कोई इवेंट था तो वहां से आ रहा था, और मैंने दीपक को देखा। दीपक को मेहनत करते हुए देखा। कोई भी इंसान जब मेहनत करता है और खासकर एक हाथ इनका बिल्कुल काम नहीं करता तो कुछ काम क्वेश्चन नहीं हो पाता। एक हाथ बिल्कुल भी काम नहीं करता इनका, और उसके बाद भी दीपक को अपनी मेहनत करते हैं दो बच्चे इनके। शिकायत नहीं करते भगवान से कोई? नहीं जी, अपनी मेहनत पे भरोसा करता हूँ मैं, बस ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि सही सलामत घर पहुँचा दे। क्या बात, बहुत 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 बढ़िया। अच्छा है आपका, खाना खा लिया है? नहीं अब खाऊंगा। बात कहाँ खाओगे खाना? घर ही खाता हूँ। घर ही खाओगे? आ जाओ खाना खिलाने आपको। नहीं कोई बात नहीं सर जी। अच्छा जी, नवरात्र होते हैं बाहर नहीं खाता। नवरात्र में व्रत रखते हो? नहीं रखता नहीं हूँ, बाहर कुछ खाता नहीं, प्याज वगैरह मिली रहती है, नॉन मीट वगैरह भी खाते हैं। नवरात्र में? नवरात्र आज दूसरा नवरात्र है। हाँ जी, और दीपक ने बोला कि नवरात्र की वजह से बाहर खाना नहीं खाएगा। मैंने खाने के लिए बोला कि चलो मिलकर खाना खाते हैं, पर दीपक वो भी मना कर रहा है उस चीज के लिए। तो जो इनकी मुझे भावना नजर आई, दीपक का जो जोश है, शिकायत नहीं है उसको कुछ भी, अपने एक नहात ना होने की वजह से। दो बच्चे हैं, बच्चों को पालता है, सुबह शाम जो है 8 बजे कहीं घर से निकलते हैं, और शाम को कितने बजे घर पहुंच जाते हो? 8 बजे ही पहुंच जाते हैं। 8 बजे बचपन से ऐसा है? ये पोलियो होता है क्या आपके? नानी जी, मम्मी पापा 2013 मम्मी। सबसे खुश संभाली है भाई और बहन कोई? भैया हरिद्वार रहता है, बहनों की शादी है। मैंने शादी कोई मदद नहीं करती और कोई कुछ? मैं कहता नहीं, कहते नहीं किसी से, जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिल्म स्टार कोई बहुत अच्छा लगता होगा? देखिए कौन सी गोविंदा की फिल्म देखी? फिर भी कोई देखी, वो क्या नाम उसका हथकड़ी देखी है? क्या बात है, बहुत अच्छा लगा दीपक आपसे मुझे मिलके, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे। ये देखिए दीपक एक हाथ बचपन से काम नहीं कर पा रहा है, 2 साल के थे तो पिताजी इनके खत्म हो गए थे, और अभी 2013 में इनकी माताजी भी खत्म हो गई। अकेले घर में काम करने वाले हैं, कूड़ा बीनते हैं, मेहनत करते हैं, और एक हाथ के ना होने के बाद भी कोई शिकायत नहीं है भगवान से। और एक ही बात कही है सर, मेहनत करके कमाना चाहता हूँ। हम सपोर्ट ह्यूमैनिटी के माध्यम से दीपक का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और इंस्पिरेशन है दीपक उन लोगों के लिए जो सब कुछ होते हुए भी कुछ करना नहीं चाहते और जिंदगी में हार चुके हैं, जिंदगी को बैठ कर सिर्फ कोसते हैं बैठ कर कि कैसे जिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दीपक जैसे लोगों को देखकर लोगों में जीने की सलाह आती है, तो मैं सपोर्ट ह्यूमैनिटी से दीपक का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक छोटा सा गिफ्ट मैं आपको जो है, दीपक ठीक है, दीपक मिलते हैं आपसे, खुश हंसके। भैया जी मिले मुझे, भैया जी ने मदद करी मेरी, भैया जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ मिला दीपक से सीखने को, उसकी हिम्मत और कोई शिकायत नहीं उसके चेहरे पर, उसकी मुस्कुराहट भी एक अलग सी प्रेरणा देकर चली गई।